थोड़ा सा, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच आपने कई बार इनको पार्लियामेंट में देखा होगा, श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, जो बेसिकली बीकानेर राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट है और सेंटर की मोदी हुकूमत में ला एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और कल्चरल मिनिस्टर, ये बहुत मुख्य मार्ग का उद्घाटन किया और इसका नामकरण सदगुरु बाबा भीरम शाह जी महाराज जी के नाम से किया गया है, इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। क्योंकि मंत्री जी का एक 3 बजे रजौरी में और फिर थन्ना मंडी में प्रोग्राम है और रात्रि पुंछ में है, मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ दो शब्द गुरु महाराज जी धन्यवाद करेंगे बाद में माननीय मंत्री जी का। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जो इस पुण्य भूमि पर आपके चरण पड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मदर एंड चाइल्ड के एक यूनिट बन रही है हॉस्पिटल, कह रहे हैं जेपी नड्डा जी कभी इधर से गुजरे थे, कोई बात आई थी। अब देखिए रोड पे जगह और कंस्ट्रक्शन चालू है, एक टनल भी देखा मैं जिससे कालीधार जिससे पुंछ राजौरी का रास्ता जम्मू जाने के लिए इतना आसान हो जाएगा, कल्पना से बाहर के काम हो रहे हैं। इसलिए 9 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम हमें मिला। उसके बाद मैंने रविंदर जी रैना साहब से बात की, मैंने कहा कहां ये 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम करना है, तो इन्होंने कहा बाबा भीरम शाह जी के लंबेड़ी में एक रोड बनी है उसका उद्घाटन करें, शुरुआत वहां से करेंगे। तो आज जो संत होते हैं या जो जनता को सात्विक प्रवृत्ति से आशीर्वाद देते हैं, नागरिकों को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन भी सूर्यदेव जी महाराज के हुए हैं और इनकी गद्दी शायद वहाँ पीओके में और प्रभाव पूरे जैन के देश में और देश में पूरे देश विदेशों में भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये जो रोड बनी है, देखिए हमारे कई कार्यक्रम रहेंगे, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये 9 साल बेमिसाल रहे। इसका एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चल रही थी उनका स्केल बढ़ाया और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसकी स्पीड बढ़ाई और टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया। सपोज करो कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा जियो टेक कर, सपोज करो पैसा सीधा खाते में नहीं जा रहा, बीच में कोई खा रहा है तो डीबीटी कर दो। ये इन 9 सालों में हुए, ऐसा नहीं है कि पहले ये सिस्टम था नहीं, था लेकिन किसी ने इंप्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं की और इन्होंने हिम्मत की, इससे भ्रष्टाचार भी रुका, विकास के काम को गति भी मिली, गुड गवर्नेंस भी आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ और ईज ऑफ लिविंग नागरिकों का भी हुआ। इसलिए हम कहते हैं कई बार 9 साल बेमिसाल, जोर से 9 साल 9 साल 9